हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज की क्लास में हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, सो दैट आपको नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट द आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल। आयरन लॉस इज नेग्लिजिबल बिकॉज क्या होता है आयरन लॉस? आयरन लॉस इज इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस होता है ए बी एम टू द पावर 1.6 इंटू एफ प्लस एडी करंट लॉस ए कॉन्स्टेंट बी इंटू Bm square into F square। यदि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखना चाहें तो यहाँ पर Bm to the power 1.6 की जगह लिखते हैं A Bm square into F। 1.6 की जगह नॉर्मली हम 2 यूज कर लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर इजी कैलकुलेशन। प्लस B एक कांस्टेंट है and this one is bm square f square। यहाँ पर bm है maximum flux density जो कि directly proportional होता है v का यानी voltage और inversely proportional होता है frequency का। So यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि iron loss is directly proportional to Bm square and Bm is directly proportional to V by F, इसलिए iron loss is also directly proportional to V square। यहाँ से हमें मिला कि iron loss is directly proportional to voltage square। Question में कहता है कि during short circuit test the iron loss of a transformer is negligible। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट अप्लाइड वोल्टेज इज वेरी वेरी लो। कितना कम वोल्टेज यूज करते हैं? दिस इज अराउंड ओनली 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज। चूंकि बहुत ही कम वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट, इसलिए फॉर लो वोल्टेज आयरन लॉस विल बी वेरी वेरी लेस। और यही वजह है कि हम शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट के दौरान जो आयरन लॉस मिलता है उसे नेगलेक्ट करके चलते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द हाई वोल्टेज साइड इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज। और ये कितना स्मॉल फ्रैक्शन है? ओनली 10%, near about 10%. Question number 52. When a 400 Hz transformer is operated at 50 Hz, its KVA rating is? यानी कि question में ये कह रहा है, ये transformer जिसकी rating 400 Hz है और इसका कुछ KVA rating भी होगा, suppose S. Okay? Now, इस transformer को हम use करते हैं, ऑपरेट करते हैं एट 50 हर्ज, तो पूछ रहा है कि इसकी केवीए रेटिंग कितनी होगी। पहले कितनी थी? पहले हमने सपोज कर लिया कि पहले उसकी केवीए रेटिंग है एस, एस केवीए। तो अब कितना केवीए उसकी रेटिंग होगी? वोल्टेज वी इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाई एम इंटू एन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर V1 फाइंड आउट करना है तो N1, अगर V2 फाइंड आउट करना है तो N2। ओके, यहाँ पर दिस इज फाई एम, फाई एम इज इक्वल टू बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया बी एम इंटू ए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? रूट टू पाई बी एम इंटू ए इंटू एन मल्टीप्लीकेशन विथ फ्रिक्वेंसी। यदि यह क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा होता या फिर किसी और ए लेवल के एग्जाम में पूछा होता तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन
दिया होता, क्योंकि ये जेई लेवल का एग्जाम है, बहुत छोटे छोटे टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सिर्फ वन लाइन में स्टेटमेंट दिया है कि 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज। यदि ये गेट का क्वेश्चन होता तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन दिया होता, समथिंग अबाउट क्रॉस सेक्शन एरिया, समथिंग अबाउट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, समथिंग अबाउट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, समथिंग अबाउट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड सो ऑन। और जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अच्छा होता, डिटेल में होता, क्योंकि यहाँ कोई और इंफॉर्मेशन गिवेन नहीं है और इसलिए हम इसे लेते हैं कॉन्स्टेंट। सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और हमें फाइंड आउट करना है एस, एस इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज से रिड्यूस होके हो गया 50 हर्ट्ज, यानी कि 1/8 टाइम। सो वोल्टेज इज रिड्यूस्ड 1/8 टाइम, यानी कि ये वी हो जाएगा V/8। सो एस विल बिकम 1/8 टाइम, यानी कि S/8। तो यहाँ से हम ऑप्शंस को देख के मार्क करते हैं। ऑप्शंस में लिखा हुआ है ऑप्शन ए रिड्यूस्ड टू 1/8, इंक्रीज्ड 8 टाइम्स नहीं होगा, अनअफेक्टेड नहीं होगा, डिटरमिन्ड बाय लोड ऑन सेकेंडरी नॉट हियर। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। द ऑर्डिनरी एफिशिएंसी ऑफ अ गिवन ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन, जब कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। यहाँ आयरन लॉस की वैल्यू तो फिक्स होती है, दिस इज कॉन्स्टेंट लॉस, और कॉपर लॉस एक स्पेसिफिक लोड पर आयरन लॉस के बराबर हो जाता है, और इसी लोड पर ट्रांसफार्मर गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। कंपेयर टू द सेकेंडरी ऑफ अ लोडेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी हैज, वी हैव फोर ऑप्शंस। दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड होता है लो वोल्टेज एंड सेकेंडरी साइड होता है हाई वोल्टेज, तभी तो हुआ ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर। प्राइमरी साइड लो वोल्टेज, सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज, और इसीलिए ही तो ये कहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसके करंट के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइमरी साइड में होता है हाई करंट और सेकेंडरी साइड में होता है लो करंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राइमरी हैज व्हाट, प्राइमरी साइड में क्या होता है। प्राइमरी साइड में क्या देखा हमने, लो वोल्टेज होता है एंड हाई करंट होता है। तो लो वोल्टेज एंड हाई करंट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस द सेकेंडरी ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्क्यूटेड बिकॉज। यह है एक करंट ट्रांसफार्मर, दिस इज सी टी करंट ट्रांसफार्मर, जो कि मेजर करता है बहुत ही हैवी करंट को। करंट ट्रांसफार्मर का ये है प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ही कम टर्न्स होते हैं, जनरली प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ वन टर्न दिया जाता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लो वैल्यू ऑफ करंट इसमें फ्लो करता है। जिसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे आमीटर लगाते हैं, लो रेंज का आमीटर होता है इस लो वैल्यू को मेजर करने के लिए। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्न्स रेशियो कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। जनरली ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी साइड सप्लाई देने की वजह से ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स डेवलप होता है, और ये फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स आता है F2, जो कि इस मेन फ्लक्स का अपोज करता है,
और इसको कम करता है। लेकिन अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्क्यूट हो तो फ्लक्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी, कोर फ्लक्स वैल्यू विल बी वेरी वेरी हाई एंड ड्यू टू विच ट्रांसफार्मर कोर विल बी सैचुरेटेड। तो इसीलिए हम ऑपरेटिंग कंडीशन में करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को शॉर्ट सर्क्यूट रखते हैं, इसको ओपन नहीं करते हैं, नॉट ओपन सर्क्यूट। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इट अवॉइड्स कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। द करंट ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड टू मेजर 100 एम्पीयर करंट बाय 5 एम्पीयर अमीटर, यानी कि इस करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड 100 एम्पीयर फ्लो कर रहा है एंड सेकेंडरी साइड 5 एम्पीयर। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। यहाँ से हम देखते हैं कि करंट स्टेप डाउन हो रहा है, लेकिन जो वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या फिर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दिस स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इज रिलेटेड टू वोल्टेज नॉट करंट। ओके, वोल्टेज लेवल को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है और कौन सा स्टेप डाउन है। यहाँ पर करंट की वैल्यू प्राइमरी साइड में हाई है और सेकेंडरी साइड में करंट की वैल्यू लो है, इसका मतलब कि प्राइमरी साइड में वोल्टेज होगा लो और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज होगा हाई, इसलिए यह ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू व्हाट। ट्रांसफार्मर में कोर क्यों यूज करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है एंड इसका रिलक्टेंस कम होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कोर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्क्यूट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑप्शन में एक है आयरन लॉस को कम करने का, एक है एडी करंट लॉस। तो मैं आपको बता दूं कि आयरन लॉस को कम करना है, इसके लिए ट्रांसफार्मर में हम यूज करते हैं CRGO मटेरियल, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड, इस टाइप का कोर हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है आयरन लॉस कम होता है। ऑप्शन बी में है एडी करंट लॉस के बारे में, तो अगर एडी करंट लॉस को कम रखना है इसके लिए हम यूज करते हैं वर्निस का इंसुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये कहता है एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, द परसेंटेज ऑफ पावर आउटपुट कंपेयर्ड विद द इनपुट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। अंडर हैवी लोड ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली लो बिकॉज, और हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। हैवी लोड के केस में लो एफिशिएंसी क्यों होता है ट्रांसफार्मर का, जब लोड बहुत ही ज़्यादा हो, हैवी लोड हो, इसका मतलब है कि उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब करंट बहुत ही हाई होगा तो इस ट्रांसफार्मर में होने वाला कॉपर लॉस
यानी कि आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट होगा बहुत ही हाई जब लॉसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे इस ट्रांसफार्मर में, तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। जब लॉसेस ही बहुत ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी इसकी बहुत ही कम होगी। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि कॉपर लॉस बिकम्स हाई, ये सही बात है, कॉपर लॉस ज़्यादा हो जाता है अंडर हैवी लोड इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि आयरन लॉस इज इंक्रीज, ट्रांसफॉर्मर चाहे किसी भी लोड पर ऑपरेट करे, चाहे नो लोड पर या फिर फुल लोड पर या फिर हाफ लोड पर, ये किसी भी लोड पर ऑपरेट करे, इसमें होने वाला आयरन लॉस कांस्टेंट ही होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर कोई चेंज होता है तो वो होता है कॉपर लॉस अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ लोड, कॉपर लॉस चेंज होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। इन रिलेशन टू अ ट्रांसफॉर्मर द रेशियो 20:1 इंडिकेट्स दैट, ये चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को रीड करिए। ऑप्शन ए, देयर आर 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 1 टर्न ऑन सेकेंडरी, बात तो कुछ सही लग रही है। सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/20th ऑफ प्राइमरी वोल्टेज, ये भी बात कुछ सही लग रही है। प्राइमरी करंट इज 20 टाइम्स ग्रेटर दैन सेकेंडरी करंट, ये बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन सी, क्योंकि प्राइमरी करंट 1/20th टाइम होता है सेकेंडरी करंट का। ऑप्शन डी कहता है कि फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी देयर इज 1 टर्न ऑन सेकेंडरी, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीन हमें सही लग रहा है। इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो फिर से अब ऑप्शन को रीड करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में कहता है कि देयर आर 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी, यानी ये कह रहा है कि प्राइमरी में 20 टर्न है और सेकेंडरी में 1 टर्न है, लेकिन टर्न्स रेशियो 20:1 होने का मतलब तो ये भी हो सकता है कि प्राइमरी साइड में 40 टर्न्स हों और सेकेंडरी साइड में 2 टर्न्स हों, ये भी तो हो सकता है रेशियो 20:1। या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि प्राइमरी साइड में 80 टर्न्स हों और फिर सेकेंडरी साइड में 4 टर्न्स हों, तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो कि पॉसिबल है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, ये कहता है कि 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी, मतलब प्राइमरी में फिक्स 20 टर्न्स हैं और एक टर्न हमारा सेकेंडरी में है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नाउ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और डी में सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये कहता है कि फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी देर इज 1 टर्न ऑन सेकेंडरी, और यही मतलब होता है टर्न्स रेशियो का। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन अ मटेरियल, हिस्टेरेसिस लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm to the power 1.6, directly proportional to frequency and directly proportional to volume. This is volume, this is not voltage, this is volume. Okay, तो hysteresis loss का ये expression हुआ। यदि हम proportionality constant को लिखें तो hysteresis loss PH will be equal to some constant K into Bm to the power 1.6 into F into V, ये होगा
अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके सिमिलर है। यहाँ ऑप्शन सी, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाइज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी, बट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन यूज करते हैं विच इंडिकेट्स लेंज लॉ। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन। दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज नॉन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल अपोजेस द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का अपोज करता है रिलक्टेंस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का अपोज करता है रेसिस्टेंस, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। डिटरमिन द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी व्हेन द वैल्यू ऑफ द सिस्टम वोल्टेज इज 11,000 वोल्ट। सिस्टम वोल्टेज 11 केवी है। द टर्न्स रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज 102 एंड द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 3%। तो पूछा क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। ये है एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो कि एक सिस्टम से कनेक्टेड है। इस सिस्टम का वोल्टेज गिवन है 11 केवी, 11,000 वोल्ट गिवन है, और इस सिस्टम से कनेक्टेड है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड यहाँ कनेक्टेड होगा, यानी कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज होगा 11,000 वोल्ट, और सेकेंडरी साइड में ये जो वोल्ट मीटर है ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा वो क्वेश्चन में पूछा है। ये वोल्ट मीटर उतना ही मेजर करेगा जितना इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, जबकि हमें टर्न्स रेशियो गिवन है 102। इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज यानी V2 होना चाहिए 11,000 वोल्ट डिवाइडेड बाय 102, यानी कि 107.8 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वोल्टेज में कुछ एरर है जो कि 3% है। वोल्टेज एरर इज इक्वल टू 3%, इसलिए सेकेंडरी वोल्टेज विल बी 107.8 वोल्ट प्लस माइनस 3% ऑफ 107.8 वोल्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको दो आंसर मिलेंगे। एक होगा 104.6 वोल्ट एंड सेकेंड वन इज 111 वोल्ट। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस गिवन इन दिस क्वेश्चन 104.6 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। इन अ ट्रांसफार्मर द रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। ये कह रहा है कि किसी भी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच कितना रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोई भी ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, सिर्फ एक टाइप के ट्रांसफार्मर को छोड़ के, और वो कौन सा होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ के बाकी सारे ट्रांसफार्मर्स इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, और आइसोलेटेड होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का पाथ सेम नहीं होता है और रेसिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इनफाइनाइट।
यानी कि जस्ट लाइक ओपन सर्क्यूट। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। इन अ ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज अचीव एट अ लो पावर फैक्टर। किस पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है? दिस इज ग्राफ बिटवीन वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर फैक्टर। देखते हैं, यहाँ से इधर ये है लैगिंग रीजन एंड दिस वन इज लीडिंग रीजन। तो पूछता है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ मिलता है? दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन एंड अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि अबव द पावर फैक्टर एक्सिस वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव रीजन एंड यहाँ से ऊपर पॉजिटिव रीजन एंड यहाँ से नीचे इज नेगेटिव रीजन। एंड एट दिस पॉइंट एट पावर फैक्टर एक्सिस वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो। हियर वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट? जीरो। ये कहाँ मिलता है? इन लीडिंग रीजन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर के केस में हम जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पा सकते हैं। अब इस ग्राफ से रिलेटेड और भी चीज़ें देख लेते हैं कि ये हुआ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन और दिस वन इज मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ मिल रहा है? इन लैगिंग रीजन, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में हमें मिलता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। और अगर हमें मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए या फिर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो उसके लिए लीडिंग लोड का होना जरूरी है। बट एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? यूपीएफ लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन ये हुआ। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर? समथिंग इज गिवन अबाउट करंट ट्रांसफार्मर। क्या करता है ये? हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है बाय यूजिंग लो रेंज अमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। टैपिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड। ये देखते हैं ट्रांसफार्मर का, दिस इज सेकेंडरी साइड एंड दिस वन इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। दिस इज हाई वोल्टेज साइड। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज साइड करंट की वैल्यू कम होती है और इसीलिए हम एच वी साइड में टैपिंग करते हैं। दिस टैपिंग, टैपिंग करने से क्या होता है कि आप इस वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो वोल्टेज को चेंज करने के दौरान दिस लीड विल लीव वन पॉइंट एंड टच टू द अदर पॉइंट। तो टैपिंग के इस प्रोसेस में जितना ज़्यादा करंट इस वाइंडिंग में फ्लो कर रहा होगा उतना ही ज़्यादा स्पार्क होगा यहाँ पर। हेयर हाई वैल्यू ऑफ करंट लीड्स टू हैवी स्पार्क। टू अवॉइड दिस वी नीड लो वैल्यू ऑफ करंट इन टैपिंग साइड वाइंडिंग। ओके, यही वजह है कि हम टैपिंग हाई वोल्टेज साइड करते हैं और मिडिल में टैपिंग करने से हमें मैक्सिमम रेंजेज ऑफ वोल्टेज मिलते हैं। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन डी, एट द मिडिल ऑफ हाई वोल्टेज साइड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर अ पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज थ्रू एंड वी हैव फोर ऑप्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें पावर इज ट्रांसफर्ड वाया इंडक्शन ओनली। इन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इज ट्रांसफर्ड वाया इंडक्शन एज वेल एज कंडक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पावर सिर्फ वाया इंडक्शन ट्रांसफर होता है, बट इन ऑटो ट्रांसफार्मर में वाया इंडक्शन तो पावर ट्रांसफर होता ही है, साथ में वाया कंडक्शन भी पावर ट्रांसफर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाया कंडक्शन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। और ये फुल लोड वोल्टेज क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, जो गिवन रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का, वही होता है फुल लोड वोल्टेज, यानी कि रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेटिंग ना, वोल्टेज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। सो दिस इज डिनोटेड बाय व्हाट, वी। फुल लोड वोल्टेज इज वी, नो लोड वोल्टेज इज ए, ई माइनस फुल लोड वोल्टेज वी डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज वी, दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। विच इज द ओनली ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इलेक्ट्रिकली। अभी हमने बताया कि सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर ही है जिसमें कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ये दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं सब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, और इनके केस में रेसिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी इनफाइनाइट। ओके, बट इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ये दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। ऑप्शन ए इज कॉपर, विच इज रॉन्ग। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, रॉन्ग। ऑप्शन सी एयर, रॉन्ग। ऑप्शन डी लेमिनेटेड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। डिटरमिन द एडी करंट लॉस इन वॉट इन अ मटेरियल हैविंग एडी करंट कॉफिशियंट ऑफ 1, थिकनेस ऑफ 0.04 मीटर, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर विच इज कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 4 टेस्ला एंड सप्लाइड बाय अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट इज एडी करंट कॉफिशियंट ऑफ 1, यानी कि के ई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट थिकनेस ऑफ 0.04 मीटर, यानी कि टी इज इक्वल टू 0.04 मीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर, यानी कि वी इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज 4 टेस्ला, यानी कि बी एम, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 4 टेस्ला, 4T। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस विल बी इक्वल टू के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर
इंटू वी, यहाँ पर टी है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में वो है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, एंड वी इज व्हाट, वॉल्यूम। जब ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन हो चुका है देन दिस पोर्शन मीन्स टी स्क्वायर इंटू वी विल बी फिक्स्ड। ये तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसीलिए जनरली हम यूज करते हैं कि आयरन लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। यहाँ पर थिकनेस और वॉल्यूम की बात नहीं की जाती है, क्योंकि जब एक बार ट्रांसफार्मर बन चुका है तो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन एंड वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड। नेक्स्ट, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग गिवन डाटा। तो पी ई, एडी करंट लॉस इज इक्वल टू के ई यानी कि 1 मल्टीप्लाई विथ बी एम स्क्वायर, बी एम इज 4 टेस्ला, तो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर यानी कि 50 हर्ट्ज़ है तो 50 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ टी स्क्वायर यानी कि 0.04 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम वी यानी कि 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 128 वॉट ऑफ एडी करंट लॉस, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, 10 केवीए ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, 10 केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो इज 0.4, फाइंड द पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली। टर्न्स रेशियो इसमें गिवन है 0.4, इट मींस इसने डिवाइड किया होगा लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज डिवाइडेड विथ हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज। मैं यूज करता हूँ टर्न्स रेशियो ए ऑटो इज इक्वल टू हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज डिवाइडेड विथ लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज, यानी कि मैं यूज करता हूँ टर्न्स रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार इस टर्न्स रेशियो को मैं अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूँ, तो मेरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू हाई वोल्टेज बाय लो वोल्टेज, ये हो जाएगा डिवाइड 1 डिवाइडेड विद 0.4 यानी कि 5 बाय 2, दिस इज ग्रेटर देन 1। और मैं इसी टर्न्स रेशियो की हेल्प से आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पावर ट्रांसफर वाया कंडक्टिवली इज इक्वल टू 1/A मल्टीप्लाई विथ फुल लोड केवीए रेटिंग इक्वल टू 1/A। हमारे लिए ए क्या है, 5/2 है, तो 1/A यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई विद फुल लोड केवीए रेटिंग, जो कि ट्रांसफार्मर में गिवन है, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसलिए दिस इज 10 केवीए। वी गेट 4 केवीए आफ्टर कैलकुलेशन, एंड पावर ट्रांसफर वाया इंडक्टिवली इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1-1/A ऑटो इंटू एस एफ एल, दिस विल इक्वल टू 1-2/5 इंटू 10 के वी ए, ये मिलेगा 6 के वी ए, यानी कि इस 10 के वी ए के ऑटो ट्रांसफार्मर में 4 के वी ए पावर ट्रांसफर होता है वाया कंडक्टिवली एंड 6 के वी ए पावर ट्रांसफर होता है वाया इंडक्टिवली। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाया इंडक्टिवली, तो इंडक्टिवली में आंसर होगा 6 के वी ए, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अगर कंडक्टिवली पूछता तो 4 KVA ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यदि आप ये सोचते हो कि मैंने तो टर्म्स रेशियो लिया 5/2 लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 0.4, तो आप 0.4 टर्म्स रेशियो की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बट फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और इसलिए मैं टर्म्स रेशियो हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज को लेकर चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। ऑन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू और मोर ट्रांसफार्मर, द परसेंटेज इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी। परसेंटेज इम्पिडेंस कहने का मतलब होता है जेड पर यूनिट। ओके, पर यूनिट को हम परसेंटेज में भी लिखते हैं, इसलिए दिस इज टॉकिंग अबाउट जेड पर यूनिट। सपोज दो ट्रांसफार्मर ए और ट्रांसफार्मर बी को हम पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो जेड पर यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर ए शुड बी इक्वल टू जेड पर यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर बी फॉर प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग। ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए ये कंडीशन डिजायरेबल होती हैं, इसलिए फॉर दिस क्वेश्चन परसेंटेज इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी सेम। ट्रांसफार्मर ए और ट्रांसफार्मर बी दोनों का परसेंटेज इम्पिडेंस यानी कि जेड पर यूनिट शुड बी सेम। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 75 तक ही। आप पिछले क्लास को भी रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, यदि अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई, ताकि मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।